अच्छा, अपने भाई की शादी पर कोई गाना गाना हो तो आप क्या? गाड़ी वाला आया घर से वो तो तू जाएगा ना घर से बाहर, मैं तो घर में रहूंगा। आपको ये पेमेंट देती है? नहीं दीदी, थोड़ा पेमेंट तो बनता है भाई। अरे सब इसी का है। जब मैं इंडियन आइडल में अंदर परफॉर्म कर रही थी और पापा ऐसे करके देख रहे मुझको, मैं वो देख करके मैं रोने लग रही थी। वो वीडियो देख करके फेम आना जाना ये भी टेम्पररी होती है। आज मैं आपसे मिली लेकिन आपको ये याद रहेगा कि हम लोग इधर खुले आसमान के नीचे बैठ के बात कर रहे थे। पापा ने गांव वाली चीजों को, सुख सुविधा को छोड़कर वो हमारे लिए दिल्ली आए थे और दिल्ली में बहुत ही जीरो से शुरुआत की। पापा इसको गाने के लिए बोलते थे, मुझसे बेहतर गाता था ये, लेकिन इसको शर्म आती थी और रोने लगता था गाते गाते। तो इसने मजबूरी में बोला कि नहीं नहीं मैं तो तबला ही बजाऊंगा। अभी जो हम कर रहे हैं ये मैं मानता हूँ कि 1% भी नहीं है, हमें और बहुत कुछ करना है। आज कैमरे पर पापा के लिए मैं पापा मम्मी दोनों को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हर एक सांस हम आपकी वजह से ले रहे हैं, बहुत सारा थैंक यू। हमारे गेस्ट को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तो मेरे इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सोशलाइज देख रहे हैं आप, मैं हूं निहारिका और हर थर्सडे 8 बजे हम आपको मिलवाते हैं किसी शानदार से कलाकार से। आज हमारे साथ हैं, भाई बिहार की जान अब नहीं कहेंगे इनको, ये पूरी भारत की जान है, मैथिली। वेलकम टू अनकट। थैंक यू सो मच। और साथ में आप लेकर आई हैं अपने भैया को, ऋषभ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनकट पर। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छी हूँ। मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि ये तिकड़ी हो जाती, आपका छोटा वाला भाई भी आ जाता, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब आप लोगों से मिली थी तो वो बहुत छोटा था और वो बस पीछे बैठ के ऐसे तालियां बजाता था। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे हैं। यहाँ आ करके इतनी सुंदर तरीके से सेटअप को देख के और खुश हो रहे हैं। ऋषभ, बहुत मजा आ रहा है एकदम खुले में बैठ के, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू, पहली बार हमें ऐसे इंटरव्यू हो रहा है। क्या बात है। तो सबसे पहले आपके सबसे लेटेस्ट अचीवमेंट की बात करते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, आपको क्रिएटर्स अवार्ड मिला, कैसा था वो पूरा अनुभव? वो तो अभी तक फील नहीं हो रहा है कि ऐसा हुआ, हम सच्ची में प्रधानमंत्री जी से मिले। और इसी का सबूत लेने के लिए मैंने वहाँ पे एक वीडियो फोटो बना ली थी कि मुझे घर जाके ऐसा मैं देखूं, फील हो कि प्रधानमंत्री खुद थे वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर से नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी ने सोची ना होगी। हाँ। और पूरी दुनिया में पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि क्रिएटर्स को बुला के उनको अवार्ड दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सभी के लिए। ऋषभ, आप गए थे दीदी को चीयर करने के लिए? बिल्कुल, मैं ही बैठ के वीडियो बना रहा था दीदी का, जो भी आप रील वगैरह देख रहे हो मैंने ही शूट किया है वो। क्या आप दीदी की सारी रील्स एडिट भी आप ही करते हो? ज्यादातर। आपको ये पेमेंट देती हैं? नहीं दीदी, थोड़ा पेमेंट तो बनता है भाई। अरे सब इसी का है, सब इसी का है। अच्छा, एक भजन आपने सुनाया था पीएम मोदी को वहाँ सबके सामने, जो लोगों ने बहुत मतलब उसको प्यार दिया, आप उसकी दो लाइन सुनाना पसंद करेंगे? जी। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंघी नाद बजावत गावत, सिंघी नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मतलब आज तक मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आपको स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा है, लेकिन आपका अगर किसी का भी मौका लगे और आप ऐसे लाइव बैठ के अगर आप मैथिली को सुन सकते हैं तो वो अद्भुत है, वो आप मिस नहीं कर सकते। मैथिली शानदार आवाज़, और मैं जानती हूँ इसके पीछे बहुत सारा रियाज और बहुत सारी मेहनत है। एक छोटी सी बिटिया जो दादाजी के साथ भजन सुनती थी, उनके साथ कीर्तन वगैरह सुनती थी,
उसके बाद आज देश दुनिया में परफॉर्म कर रही है। कैसा रहा आपका ये सफ़र? ये सफ़र बहुत 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 बड़ा था और काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। मैं बहुत छोटी थी जब बोलचाल शुरू हुई थी, तभी से वो भजन कान में सुनते थे और वो माहौल ही ऐसा था कि दिन रात कीर्तन हो रहा है, अष्टयाम हो रहा है, 24 घंटे सिर्फ नाम धुन संकीर्तन हो रहा है, सोना जागना कुछ नहीं हो रहा है। मतलब इतना इतना बढ़िया माहौल हमारे गांव में हमको, मतलब वो एक समय जो है मेरी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट था, क्योंकि वो मैंने जो जिया और जो मेरी पहली जो समझ आई थी, तो इतने बढ़िया माहौल में थी मैं। फिर धीरे धीरे जब चेंजेस हुए लाइफ में, दिल्ली आके सब चेंज हो गया, सब अलग अलग लोग थे, मैथिली भाषा समझने वाला कोई था नहीं बाहर, तो मुझे हिंदी बोलना सीखना पड़ा। फिर उसके बाद यहाँ पे आके पापा ने प्रॉपरली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मुझे सिखाना शुरू किया, तो गांव पे जो भी थे वो इनफॉर्मल तरीके से सुन रही थी, गा रही थी, हारमोनियम बजाना सीख चुकी थी, कुछ पता ही नहीं चला मैं कैसे इतना सीख पाई वहाँ पे। और क्या उम्र थी उस वक्त आपकी जब वहाँ थी आप? मैं 6-7 साल तक वहीं थी। अच्छा। 7.5 या 8 साल की थी तब मैं वापस दिल्ली में आ गई थी। तो यहाँ पे आके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मतलब प्रॉपर अभ्यास शुरू हुआ, जो कि अभी तक जारी है। और जब मैं 11 साल की हुई, पापा ने मुझे तभी से कॉम्पिटिशन में लगाना शुरू किया, चाहे वो लिटिल चैम्प्स हो। फिर 2015 में मैं इंडियन आइडल जूनियर में गई, फिर मैं 2017 में राइजिंग स्टार में गई। फिर उसके बाद से ज़िंदगी बदलने लगी धीरे धीरे, मेरी स्कूलिंग भी हुई। पहले मैं सरकारी स्कूल में मैं पढ़ी, 5वीं कक्षा में थी, मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ था, तब मैं 8 साल की थी या 7 साल की थी जब मैं 5th में एडमिशन हुआ था, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि वो टेस्ट दिया था, 5वीं में एडमिशन हो गया, चलो ठीक है। 6ठी के लिए स्कूल चेंज करना पड़ता, तो उसके लिए, और मैं 8 साल के बच्चे को 6ठी में एडमिशन देना भी 8-9 साल के बच्चे को नहीं दे सकते हैं। तो 5 साल फिर से मैंने इंतज़ार किया, फिर से मैंने 5वीं में एडमिशन लिया सरकारी स्कूल जो हमारे आसपास था। फिर उसके बाद 6ठी से 12वीं तक मेरी पढ़ाई बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल द्वारका से हुई। उन्होंने मुझे मुफ्त में पढ़ाया, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे दोनों भाइयों को भी। और स्कूल के ही अंदर जितने अलग अलग इंटर जोनल कॉम्पिटिशन होते थे, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन होता था, सब में मैं फर्स्ट आती थी हर साल, तो स्कूल वालों का काफ़ी सारा प्यार सपोर्ट मिलता था। फिर वहीं रियलिटी शोज़ के सिलसिले में थोड़ी सी पहचान मिली, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया आ गया 2017 के बाद में, उस पर एक्टिव हो गई और फिर चलता गया ये सफ़र। उसके बाद कमाल होता गया। शुरुआती दिनों का आपको कोई भजन या जो गांव में आपने सीखा वो कोई गीत याद है? बहुत सारे गीत हैं, मैं मैथिली भाषा में ही है सुनाती हूँ आपको। भगवान राम के लिए बोलते हैं कि हम जितने मिथिलावासी हैं, हमको कोई भी जप तप ध्यान जोग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे तो पाहुन बन कर के आ गए, मतलब साक्षात भगवान हमारे यहाँ पे जमाई बन के आ गए, तो वही भाव है। हमरा ने चाहे पाहुं, हमरा ने चाहे पाहुं, जोग जप ध्यान रे मिथिला के नतवा से बढ़ी गेलै शान रे मिथिला के नतवा से बढ़ी गेलै शान रे मिथिला के नतवा से मिथिला जन्म भेल मिथिला जन्म भेल सुकृत महान रे लाडली कृपा सो फैलो आहसन मेहमान रे मिथिला के नतवासे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी आवाज है आपकी मिथिला। आपके भाई से भी बात कर लेते हैं। आपको हम लोग बहुत समय से, मतलब मिथिला तो खुद ही छोटी सी थी, मैथिली खुद छोटी सी थी और बैठ के गाना गाती थी, और उसके पीछे आप उनसे भी छोटे तबला बजाते थे, तो कब से आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई? मुझे भी याद नहीं है कि मेरी ट्रेनिंग ऑफिशियली कब से शुरू हुई। पापा बचपन में एक तबला लेके आए थे, तो धीरे धीरे कभी मन किया तो कभी बजा दिया उस पर,
और फिर ऐसे धीरे धीरे कब शुरू हो गया मालूम ही नहीं पड़ा। फिर दीदी के साथ प्रैक्टिस करता था क्योंकि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था उतना बचपन में। हाँ। तो जब भी दीदी प्रैक्टिस करने के लिए बैठती थी तो मैं पढ़ाई छोड़ के कि पापा मैं भी दीदी के साथ प्रैक्टिस करूंगा। तो पापा इसको गाने के लिए बोलते थे, पापा चाहते थे कि ये मेरी मुझसे बेहतर गाता था ये। हाँ। इसकी आवाज और इसका टोन, पता नहीं पापा ऐसा बोलते हैं कि मुझसे बहुत ज्यादा पोटेंशियल इसके अंदर है, लेकिन इसको शर्म आती थी और रोने लगता था गाते गाते, तो इसने मजबूरी में बोला कि नहीं नहीं मैं तो तबला ही बजाऊंगा, मैं तबला ही बजाऊंगा। मगर एक जुगलबंदी तो बनती है भाई बहन, ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोगों ने कभी गाना नहीं गाया होगा, कोई भी एक गाना जो आप लोग ऐसे साथ में बैठे हुए गुनगुनाते हो। ये तो बिल्कुल मैंने गाते हुए इसको नहीं सुना है। क्यों भाई, मतलब ऋषभ शर्म आती है ना उस पे से भी आप बैठी है सामने तो मैं ऐसे बैठूंगी। तो ऋषभ मतलब कितने घंटे का आपका रोज रियाज होता है? रोज जितना देर दीदी गाती है प्रैक्टिस करती है उतना देर तो मैं करता ही, उसके अलावा भी 3-4 घंटे हो जाते हैं। अच्छा, आपने मतलब मैं गिनता नहीं हूं, लेकिन आपके पापा ने इतना आपको प्रोत्साहन दिया, कहा कि गाइए आगे बढ़िए, आपको मतलब सिर्फ एक शर्म की वजह से आप नहीं गाते हैं? बचपन का मूड पता ही नहीं चलता था, लेकिन मेरा तब मन नहीं क्या करने का, तो मैं तबला ही लेके, मैं उसमें ज्यादा अच्छा लगता था, मुझे ज्यादा अच्छा लगता था। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने बहुत लंबा आपका सफर रहा है, बहुत सारी आपने एक्सपीरियंसेस देखे होंगे, कई कई जगहों पर गए होंगे, आज तक का आपका सबसे यादगार वो लम्हा, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा मोमेंट कौन सा रहा है? ऐसे बहुत सारे रहे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात है कि मैं हिमाचल प्रदेश गई थी पहली बार, और वहाँ पे मुझे अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इनवाइट किया था, वो चाहते में थी आप? हाँ हाँ, धर्मशाला, उसके बाद में घूमने गए थे। वो चाहते थे कि मैं हिमाचल के गीतों को सुनूं, वहाँ पे जितनी महिलाएं गाती हैं लोक संगीत में उसको सुनूं, इसलिए मुझे वहाँ पे न्योता दिया गया था, महिला पहाड़ी संगीत महोत्सव। मैं मुझे हर एक डिटेल याद है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मेरा स्वागत किया मैं वो कभी नहीं भूल सकती। हालांकि और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात यही है कि हिमाचल प्रदेश में मेरा जो लोगों के साथ कनेक्शन हुआ वो प्यार मैं कभी नहीं भूल सकती। आपके लिए ऋषभ? मेरा सबसे यादगार है क्योंकि पहले जब दीदी के साथ मैं जाते थे शोज़ में, तो उतने लोग नहीं आते थे मेरे पास फ़ोटो खिंचाने के लिए, लेकिन जब लॉकडाउन के बाद मैं हमने व्लॉग्स बनाए, लोगों ने मुझे भी जाना कि मैं कौन हूँ, उसके बाद हम बस्ती महोत्सव में गए थे। हाँ। तो वहाँ पे दीदी को तो पुलिस फोर्स घेर के ले गई। हाँ, हाँ। लेकिन मैं पीछे रह गया, फिर लोगों ने मुझे घेर लिया पूरा फोटोज़ खिंचाने के लिए, फिर मेरे लिए भी पुलिस आई, तो मुझे लगा कि कुछ तो बात है, कुछ तो भौकाली हो गया है। अच्छा ऋषभ, एक बात बताइएगा, अक्सर माना जाता है, और मैं खुद एक लड़की हूँ तो मैं ये बात मानती हूँ कि जो पिता होते हैं ना उनके लिए लड़कियाँ ज्यादा लाडली होती हैं, ऐसा है? सही बात है, सही बात है बिल्कुल। मतलब ऐसा कुछ आपको कोई किस्से विस्से याद है जब आपको डांट डपट दिया गया हो और गलती आपकी नहीं थी, दीदी ने कुछ किया था? नहीं, ऐसा पापा कभी डांटते नहीं है हमारे घर में, डांटने के लिए सिर्फ मम्मी ही होती है। कुछ ऐसा लेटेस्ट कुछ हुआ हो? हाँ, अभी जैसे मैं अभी कल की ही बात है, मैं नहाने गया, पापा ने बोला कि कुछ ढूंढना है जल्दी निकलो बाहर, तो पापा ने मुझे पहले ही निकाल दिया, काम था दीदी का, मुझे निकाल दिया। फिर मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है, फिर दीदी बोला पापा मैं जा रही हूँ बाथरूम, तो पापा ने जाओ। तो मेरा कोई वैल्यू नहीं है इसमें। अरे मतलब ये है कि भाई है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं अब मेरे घर में ऐसा है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, मुझे किसी चीज़ की वो नहीं रहती है, मतलब क्या बोलते हैं, खबर खोज, और ये फिर मन भी मेरा वो नहीं होता कि क्या क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और मेरा भाई बहुत समझदार है, हालांकि मुझसे 3 साल छोटा है, लेकिन ये बिल्कुल पापा की तरह सोच और बुद्धि है, तो पापा इस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो समझता नहीं है, हो सकता है ये। अच्छा, इसके अलावा मैथिली, आपको ना बचपन से ही लोग आपके पापा के साथ देखते आ रहे हैं, आप कॉम्पिटिशन्स में जाती हैं, वो हमेशा मतलब वो होता है ना बिगेस्ट चीयर लीडर होता है आपका, कि हमेशा आपके साथ खड़े हुए, डट के खड़े रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन हुआ आप घंटों खड़ी रहीं, वो भी घंटों खड़े रहे, आप अंदर परफॉर्म कर रही थी, वो बाहर टीवी स्क्रीन पर आपको देखते रहे, कैसा महसूस होता है? मतलब अक्सर हमने देखा है कि पिताजी लोग रोक लेते हैं कि बेटी है इतना नहीं बढ़ाएंगे आगे। पापा ने 1% कभी भी ऐसा भनक भी नहीं पड़ने दिया मुझे कि बेटी है तो आगे नहीं बढ़ाएंगे। और मैं अभी हाल ही में मेरे भाई ने एडिट करके मुझे वो वीडियो दिया जो मैंने अपने सोशल मीडिया पे, मैं खुद पापा को जो वो देख रही हूँ ना फ़ोन में, कि पापा
जब मैं इंडियन आइडल में अंदर परफॉर्म कर रही थी और पापा ऐसे करके देख रहे मुझको, मैं वो देख करके मैं रोने लग रही थी वो वीडियो देख करके जब मेरे भाई ने मुझे फॉरवर्ड किया। और मुझे अभी इतना सेटिस्फैक्शन लगता है ना कि हम तीनों भाई बहन ने ऐसा ऐसा कुछ तो किया है जो अपने माँ पापा को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दें, चाहे उनको कुछ भी चाहिए तो वो उस चीज़ की उपलब्धता हो सकती है। पहले जैसा जो एक जो कठिन समय हम लोगों ने बिताया, वो समय ऐसा था कि एक्स्ट्रा दूध भी जो आए घर में तो उसके लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि आज पनीर की सब्जी बनेगी या नहीं बनेगी। और अब ये है कि अभी जिसका जो मन है वो खाने का, उसको जिसको जो चाहिए वो अब खाने पीने का या फिर रहने सहने का, तो मतलब काफ़ी सेटिस्फैक्शन में हम मतलब मैं बैठ के हनी से वही मैं क्या बोलूँ, मैं भी बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ ये किस्सा बतियाते हुए, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा टाइम देखा है जहाँ पे बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। हालांकि गांव में हमारे हर चीज़ है, हाँ, लेकिन पापा ने गांव वाली चीज़ों को सुख सुविधा को छोड़कर वो हमारे लिए दिल्ली आए थे और दिल्ली में बहुत ही ज़ीरो से शुरुआत की, तो हम लोगों ने उनका संघर्ष वेस्ट नहीं होने दिया। इस चीज़ के लिए मैं कभी कभी बहुत प्राउड फील करती हूँ। अच्छा लगता है आज ये सब देखकर कि पापा ने आप पे जितना विश्वास दिखाया, मैं सब कुछ किया कर पाई आपने पापा मम्मी को। पापा को आपने कभी ये बात बताई, थैंक यू बोला उन्हें? हमारे घर में से बात नहीं करते हैं कि भावुक होके बात करने वाला सीन, नहीं पापा के साथ नहीं मम्मी के साथ, मतलब वो है कि बहुत शांत रहते पापा। एक उम्र पे आता है मुझे लगता है ये सब बातें वो अंदर है कि पापा के सामने उनको ऐसा फील भी करा कि कुछ बोलना वो भी ऑकवर्ड लगता है कि थोड़ा। आज कैमरे पर पापा के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें, आप कुछ गाना चाहें, आप कुछ बोलना चाहें। मैं पापा मम्मी दोनों को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कभी ऐसे सामने बैठ के तो हिम्मत नहीं होती है कि हम कुछ बोल पाएं। और लेकिन सच्ची में जितना आप दोनों ने किया है हमारे लिए और बहुत सारे हमारे आसपास के रिश्तेदारों ने बहुत कुछ बोला पापा के कान में, मम्मी के कान में। इवन जब मेरा तुलसी माला जब मैंने पहली बार धारण किया, हमारे परिवार में बहुत खुशी का माहौल था कि हम मतलब मैं अब से एक सात्विक जीवन जीने वाली हूँ, ऐसा माहौल था। लेकिन वही पापा मम्मी को इसके लिए इतना क्रिटिसाइज किया गया, बहुत सारे हमारे परिवार के सदस्य जो रिश्तेदार थे बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन मुझे ये मालूम है कि पापा मम्मी ने कभी भी 1% के लिए भी ऐसा नहीं था कि किसी और की बात सुन करके हमको निग्लेक्ट करना, ऐसा 1% भी नहीं हुआ। तो बस थैंक यू, कितना ही थैंक यू बोलो, हर एक सांस हम आपकी वजह से ले रहे हैं, बहुत सारा थैंक यू। ऋषभ, इतने साल मेहनत दीदी के साथ आप लगे हुए हैं, एक तरह से कहा जाए तो आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई को दरकिनार करके म्यूजिक को अपनी जिंदगी बना ली। दरकिनार नहीं किया, हम पढ़ने में भी अच्छे हैं। मतलब पढ़ने में आप लोग अच्छे हैं, आप लोगों ने क्योंकि एजुकेशन आपके जिस तरीके से इंसान रहता है बात करता है उसमें दिखती है। मैं डिग्री पे नहीं जा रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि प्रोफेशनली आपने म्यूजिक परस्यू किया है, जबकि ज़्यादातर क्या होता है कि माँ बाप भी यही चाहते हैं कि बेटा डिग्री पूरी कर लो, उससे एक श्योरिटी मिल जाती है। हाँ, उसमें आपके पेरेंट्स ने आप पर विश्वास दिखाया, आप लोग उस विश्वास पर खरे उतरे, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। अभी जो हम कर रहे हैं ये मैं मानता हूँ कि 1% भी नहीं है, हमें और बहुत कुछ करना है, अभी तो बस शुरुआत है बाकी। अच्छा, और ऊपर से अपने माता पिता के इस ओपिनियन की बात की तो मैं ये कहूँ कि हमारे पापा मम्मी तो ठेठ मैथिल परिवार से है, वो भी बिहार के, तो पेरेंट्स आप जान सकते हैं कि उनको सरकारी नौकरी ही एकमात्र है जो श्योरिटी दे सकती है, खुश कर सकते हैं। लेकिन पापा ने कभी भी मेरे पढ़ाई लिखाई के समय पे भी ऐसा कभी प्रेशर नहीं दिया कि तुमको इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, कभी कोई प्रेशर ही नहीं था हमारे ऊपर कि पापा को खुश करने के लिए इस कॉम्पिटिशन में जीतना है। इवन जब ये प्राइम मिनिस्टर अवार्ड के लिए जब मैं नॉमिनेट हुई थी तो मेरे पापा, पता नहीं मैं वो वास्तविकता ऐसी होती है कि वो मेरे लिए ऐसा बोलते हैं पता नहीं, लेकिन कभी भी आज तक मैं कंपटीशन में गई हूँ ना, मुझे वो मैं अगर जीत जाती हूँ तो अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं जीतती हूँ तो उसके क्या फ़ायदे हैं वो गिनवा देते हैं। तो इसके लिए भी अवार्ड के लिए तनु कोई बात नहीं, अगर नहीं जीतती हो तब भी अच्छा होगा क्योंकि उससे भी बड़ा कुछ होगा, मतलब ऐसी सी बातें बोलते थे कि मैं इतने चिल मूड में रहती हूँ हमेशा कि चाहे मुझे अवार्ड मिले ना मिले, मेरे मनोबल को कोई भी बात तोड़ ना पाए, तो इस बात का ख्याल बहुत रखते हैं। आप 2017 से आप बता रही हैं कि एक्टिव हुई सोशल मीडिया पर,
और मैं उस समय भी आपसे मिली थी, मैं आज भी आप लोगों से मिल रही हूँ। एक चीज़ जो मैंने आप लोगों में नोटिस की है कि नाम, शोहरत, पैसा, रिकग्निशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल लिए, देश विदेश में परफॉर्म कर लिया, आप लोग बहुत हम्बल और ग्राउंडेड है। ये चीज़ जो शोहरत पैसे के साथ है जो नहीं बदली है। तो बहुत सारे लोग हैं जो शायद आपसे जानना चाहेंगे कि सब कुछ पा लेने के बाद ऐसे ग्राउंडेड कैसे रहा जाए, क्योंकि इसका संबंध इससे है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या सुन रही हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं भागवत गीता के बारे में पढ़ती हूँ, मैं बहुत, मेरे घर में सब किताब पापा ला के रखे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो मैं ये जानती हूँ कि हमारी लाइफ में जो पैसे आना जाना ये सब भी टेम्पररी होती है, फेम आना जाना ये भी टेम्पररी होती है। आज मैं आपसे मिली, कल आप भी कहीं और चले जाएंगे, मैं भी कहीं और चले जाऊंगी, लेकिन आपको ये याद रहेगा कि हम लोग इधर खुले आसमान के नीचे बैठ के बात कर रहे थे। तो बस ये है कि मैं खुद जब छोटी थी ना, तो मुझे पापा बहुत सारी जगह लेके जाते थे और बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिलवाते थे कि तनु देखो ये है, ये बहुत पॉपुलर है। और उस टाइम पे हमारे लिए सेलिब्रिटी वो होते थे जो हमारे गांव के ही जो फेमस सिंगर्स होते थे ना, जो हमारे बिहार के या फिर हमारे मधुबनी दरभंगा के जो फेमस आर्टिस्ट होते थे, पापा उनसे ही मिलवाने के लिए जब ले जाते थे ना, तो मैं, मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिले जिनसे मिलके मुझे अच्छा लगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले जिनसे मुझे मिलके ऐसा लगता था कि मैं कभी बड़ी हूँ ना तो मुझे अपने व्यवहार में ये चीज़ नहीं लानी है, जो रूडनेस। हालांकि मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिले अपने गांव के आसपास के जितने आर्टिस्ट थे उनसे मिली, फिर मैं जब दिल्ली आई तो यहाँ के जितने कलाकार हैं सबसे पापा मिलवाते थे फोटो खिंचवाने के लिए या फिर बात करने के लिए। बहुत सारे मुझे अच्छे लोग मिले जिनसे बात करके लगता था कि अरे ये तो सेलिब्रिटी लग ही नहीं रहे, लेकिन काफ़ी ऐसे भी लोग थे जिनको फील, जिनके सामने मैं अनकम्फर्टेबल होती थी कि हम नहीं मिलना नहीं मिलना। मैं चाहती थी कि अगर कभी मेरे पास ये ऑप्शन होना कि मुझसे कभी लोग मिलने आए, तो मैं उनको, किसी को भी ऐसा फील ना होने दूँ कि उन्होंने मुझसे मिलके उनको अनकंफर्ट फील हुआ हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई हो या फिर मुझे कभी भी नेगेटिव लाइट में याद रखे। इसीलिए शायद वो चीज़ अपने आप झलक जाती है व्यवहार में। ऋषभ, बिल्कुल सही बात कही दीदी ने, इसमें तो कोई बात नहीं। मतलब आज की डेट में जैसे ही बोले तो भोकाल है, पुलिस वाले ले जा रहे हैं, दोस्त भी कहते होंगे कि अरे ये तो वीडियोस बनाता है, मैथिली दीदी के साथ रहता है, तो इन सब के बीच में, क्योंकि लड़कों का थोड़ा और बहक जाना इजी हो जाता है क्योंकि दोस्त यार होते हैं, अरे चलो यार हैं, किस चीज़ की कमी है, तो ये इन सारी सिचुएशंस में ऐसे ग्राउंडेड रहना, कंपोज रहना, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना, ये सब पापा ने हम तीनों पे, दीदी से ज़्यादा बंधन मेरे पे कि मैं कहीं बाहर नॉर्मली नहीं निकल सकता हूँ। और सब्जी वब्जी भी लाना होता तो पापा मेरे को ही भेजते ताकि लेके आ, ठीक है। तो लड़का ऐसा कुछ लड़की नहीं में भेद नहीं है हमारे परिवार में, जितने रिस्ट्रिक्शंस मुझ पे हैं उससे ज्यादा इस पे। हाँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं कहीं आउटिंग पे नहीं जाता हूँ, मैं घर पे रहता हूँ हमेशा, और मुझे पसंद भी नहीं है कि मैं कहीं बाहर जाके घूमूं, ऐसे टहलू वहाँ पे। हाँ। तो हमेशा घर में रहो, अपना काम करते रहो हमेशा, फिर माइंड कहीं और जाता ही नहीं है उसके बाद। अच्छा, एक छोटा सा सेगमेंट करते हैं, मैं आप लोगों को कुछ सिचुएशंस दूंगी, आपको उस पे किसी भी गाने की जो आपको लगता है उसपे सही बैठता है उसकी दो दो लाइनें गानी है। ठीक है, सबसे पहला है कि आपको किसी को कांग्रेचुलेट करना हो, बधाई देनी हो। अरे वो ना, अरे बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में, दिल से दिल की सग, वाह 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 वाह। अरे हाँ हाँ। अच्छा, किसी को अगर मनाना हो तो आप क्या गाना गाएंगी? अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। ये सब गाने मुझे बस सुने सुने हुए हैं बस। अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी पर अगर आपको कोई गाना गाना हो तो आप क्या गाना गाएंगी? जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है नहीं तो मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, अपने भाई की शादी पर कोई गाना गाना हो तो आप? गाड़ी वाला या घर से? नहीं नहीं नहीं, बहुत हो जाएगा, वो तो तू जाएगा ना घर से बाहर, मैं तो घर में रहूंगा। वही बोलूंगी, वाह वाह राम जी जोड़ क्या बनाई। ठीक है, जब कोई सपना पूरा हो जाए तो क्या गाना, कौन सा गाना आपके मन में आता है? ये हौसला कैसे जो, मैं शब्द याद नहीं है लेकिन धुन वैसी याद है, ये आरज़ू कैसे, ना 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 मंजिल मुश्किल तो क्या,
तन्हा सा है तो ना 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 ना। अच्छा, कभी मोटिवेटेड फील करना होता है तो वो कौन सा एक गाना है जो आप हमेशा सुनना पसंद करती हैं, या कोई ऐसी दो लाइनें कुछ? मोटिवेशन के लिए मुझे गाना सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है, पापा के सामने बैठ जाती हूँ, वो सब रिचार्ज हो जाता है। अच्छा, अगर आपको अपने परिवार को एक गाना डेडिकेट करना हो तो कौन सा गाना होगा? ये भी ऐसा है कि हमारे घर में ना क्या बॉलीवुड दूर दूर तक नहीं सुना जाता है, तो जो सबसे ज्यादा कनेक्शन मेरे पापा मम्मी दोनों फील करते हैं वो है कि अपने मातृभाषा में जो गीत होते हैं, राम सीता विवाह संकीर्तन स्पेसिफिकली, क्योंकि सब हमारे इष्ट हैं राम सीता जी और हम खुद वैसे जगह से आते हैं मिथिला से, तो मैथिली भाषा से ही उनको खुश किया जा सकता है। अच्छा चलिए, क्योंकि हम ये सारी बातें कर रहे हैं, आपने बॉलीवुड का भी मेंशन किया, कोई भी जब सिंगर इंडस्ट्री में आता है तो उसकी एक बहुत दिली ख्वाहिश होती है कि वो बॉलीवुड में गाने गाए, और आपने बॉलीवुड के दरवाजे को खुद ताला लगाया है, ऐसा क्यों किया, मतलब क्या था वो पूरा किस्सा? जब जिस समय हम लोगों ने ये बात कही थी उस समय तो बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे कि उस समय हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का जो ये सडन डिमाइज, मतलब ये तो ऐसी चीज़ थी जो हम लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसी कुछ चीज़ हुई, ऊपर से वो बिहार के रहने वाले थे तो बहुत इमोशनल अटैचमेंट था, और सिर्फ वही नहीं, वो तो एक बहुत बड़ा रीज़न थे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोग खुद जब बम्बई काफ़ी बार आना जाना होता था, वहाँ के लोग या फिर वहाँ के अवार्ड शोज़ भी मैंने अटेंड किए हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, मतलब बहुत बड़ा अवार्ड शो होता है, पूरे अच्छे से टीवी पे टेलीकास्ट किया जाता है, लेकिन वहाँ पे अटेंड करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को पीछे कतार में बिठा दिया जाता है, सब कुछ फिक्स्ड होता है, या फिर मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन मुझे वहाँ पे, मतलब ब्रीदेबल ही नहीं था वो चीज़, तो और मेरा जो अपब्रिंगिंग जिस मेंटालिटी के साथ हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए, हमारे यहाँ के जो लोक संगीत है उसमें मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ गाना, और मैं एक तो एक और चीज़ जो मैं अपने उम्र के जितने मेरे लोग हैं या फिर जितने मुझसे छोटे एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं जो चाहते हैं कि आगे जाके म्यूज़िक को परस्यू करें, उनके लिए मैं एग्जांपल सेट करना चाहती हूँ कि अगर आपको सिंगर बनना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि, कुछ साल पहले तक ऐसा था ना कि अगर बॉलीवुड में एक गाना आ गया तभी वो इंसान सिंगर कंसीडर्ड किया जाएगा, सक्सेसफुल कंसीडर किया जाएगा, लेकिन वो चीज़ मैं हमारे परिवार के जो जितने भी एक्टिविटीज़ है उसके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, और उसका एक एग्जांपल मैं सेट करना चाहती हूँ कि आप ग्लोबल आइकॉन बन सकते हैं अगर आप खुद के रूट्स से भी जुड़ करके रहे तो। तो भाई बारिश हो गई, ये है हमारा दूसरा सेटअप, और क्वेश्चन वहीं से शुरू करते हैं जी। फोक म्यूजिक और आपका उससे कनेक्शन, बहुत सारे फोक गाने गाती हैं आप, कोई आपका फेवरेट? हाँ, अपने यहाँ के तो बहुत सारे सुना दिया, मैं जितने हमारे गुजराती भाई बहन हैं उनके लिए सुनाऊंगी, क्योंकि बारिश का मौसम है और एक ही गाना मेरे दिमाग में आ रहा है जो आप सोच रहे हैं ऑलरेडी। घन घोर झरे चहूं और मारू मां, मारू मन मोर बनी थन गट करे, मन मोर बनी थन गट करे, मन मोर बनी थन गट करे, मारू मन मोर बनी थन गट करे, मन मोर बनी थन गट करे, मोर बनी थन गट करे, मन मोर बनी थन, यही क्या बात है। अच्छा मैथिली, अब आप मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलने लगी हैं, हिंदी बढ़िया बोलती है, मैथिली बढ़िया बोलती है, गुजराती में गाना सुना रही है, अंग्रेजी फर्राटेदार बोलती है, अगर आपको नहीं विश्वास हो तो इंटरव्यूज वगैरह देख लीजिएगा, एकदम ऐसे झटाझट। मगर एक समय ऐसे भी था कि जब आप यहाँ पढ़ाई लिखाई आपने शुरू की थी तो आपको कुछ हिंदी के शब्द आपने ऐसे बोले थे जिसके लिए लोगों ने धर दबोचा था, ये कैसी बातें बोल रही है? अरे बहुत, मुझे तो याद ही दो तीन वाक्य है, लेकिन मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ कि मैं कुछ भी बोल देती थी, जैसे अभी भी जैसे बोलते हैं ना, मम्मी मम्मी ऐठ मत करो इसको, मतलब हिंदी बोल रही हूँ लेकिन वो खाना को जूठा करने को बोलते हैं ना कि ऐठ, हमारी मैथिली भाषा में इसको बोलते हैं, तो अभी भी मेरे साथ ऐसे होता है, मैं लोगों के सामने भी ऐसे बोलती थी और लोग सोचते रह जाते कि मैथिली बोली क्या। मैं अपने स्कूल में थी, क्लासरूम में मैम पूछी बुक्स किधर है, मैं बोली मैम मैं खोज रही हूँ, खोज रही हूँ का मतलब पता नहीं, इधर हमको तो सिंपल मालूम है खोजना मतलब ढूंढना,
और यहाँ पे जो हमारे क्लासमेट्स थे वो हंसने लग गए, खोजना क्या होता है, और मैं ये सोच रही हंस क्यों रहे हैं, इनको आती नहीं है क्या समझ में तो ढूंढना। और एक और चीज, हम लोग के मुझको ग्रामर में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। हाँ। मेरा बैग को मैं बोल देती थी ये मेरी बैग है। हाँ। ये मेरी सीट को ये मेरा सीट है। हाँ। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो होते, जो मैं शायद रिलेट कर सकते हैं बहुत सारे लोग मुझसे जो बिहार से आते एकदम, और हाँ। सब माहौल में जी। मगर आज अच्छा लगता है? हाँ, अभी तो व्याकरण ठीक हो गया थोड़ा अच्छा जो स्टेज सिंगिंग थी और ऐसा था पब्लिक सिंगिंग, वो आपके बहुत छोटे उम्र से शुरू हो गई थी, ऋषभ के साथ कैसा रहा? ऋषभ, मैंने काफी लेट ज्वाइन किया दीदी को, 3-4 साल बाद, जब दीदी एक मुकाम पे आ चुकी थी, मतलब अच्छे शोज करती थी उस समय पे। फिर मैं आया, मैं पहले कोरस भी करता था, फिर तबला बजाना मैंने शुरू किया दीदी के साथ। हाँ। और मैंने लीड भी काफी किया है कई बार। तो अच्छा, मैथिली अपने भाई की तारीफ में दो शब्द कहने हो या दो लाइनें कहनी हो, शब्द नहीं लाइनें बुलवा लेते हैं दीदी से, तो क्या बोलोगे आप? सुंदर, संस्कारी मेरा भाई, बहुत बहुत बढ़िया और बहुत समझदार है। हाँ। मेरे दो भाई हैं, दोनों बहुत ही अलग मिजाज के हैं। हाँ। घर में चाहिए मुझे कैसे भी ट्रीट करे, लेकिन घर से बाहर निकलते ही ये मेरा हाथ पैर मेरी आंख बन जाता है, पूरा प्रोटोकॉल सिक्योरिटी है आपकी, बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। और छोटा वाला भाई है कि उससे मेरी लड़ाई हमेशा गाड़ी में बैठने वक्त, प्रोग्राम में जाने वक्त, ग्रीन रूम में मारा झपट्टा मेरा उसी के साथ होता है। बाकी अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना, जो तीन भाई बहन होते हैं उसमें दो एक साइड हो जाते हैं और वो तीसरे वाले को परेशान करते हैं, क्योंकि हम तीन भाई बहन हमारे साथ यही होता है, परेशान मैं होती हूँ हर बार क्योंकि वो दोनों एक साइड हो जाते हैं। आप लोगों में ये साठगांठ कौन सी है? हमारे में हमेशा टीम बदलता है। हाँ। कोई एक दूसरे के लिए वो लॉयल नहीं है। छोटा भाई मिलके इसको करते हैं, कभी ये दोनों मिलके मुझे करते हैं कभी मैं और वो मिलके इसे, मतलब अभी लॉयल्टी नहीं है ऐसा दो के बीच के अंदर। तीनों मतलब ये टीम बदलती रहती है मगर आपस में ही चलता रहता है। एक रैपिड फायर करते हैं, ठीक है, एक एक करके आप लोग जवाब दीजिएगा। फेवरेट सिंगर कौन है आपका? मैं एक नाम नहीं बोलूंगी, मुझे दो तीन नाम जहन में आ रहे हैं। बिल्कुल, किशोरी अमोनकर जी, उस्ताद राशिद खान साहब, पंडित भीमसेन जोशी जी, और अगर मैं गजल सुनती हूँ तो ऑलरेडी गुलाम अली साहब, बहुत सारे ऐसे नाम है जो मैं मतलब दिमाग में आते जा रहे हैं लिस्ट ऋषभ आपके लिए बिल्कुल सेम, एकदम मूड पर डिपेंड करता है कि कैसा मूड हो रहा है, थोड़ा सा सैड सैड सा हो रहा है तो गजल सुनते हैं। हाँ। तो उस्ताद गुलाम अली जी। हाँ। उसके बाद जगजीत सिंह जी, पंकज दास जी, और मेहंदी हसन जी। मेहंदी हसन जी क्या खूबसूरत लिस्ट बताई आपने। अच्छा, कौन सा एक गाना है जो आजकल लूप पे चल रहा है, बहुत सुना जा रहा है? हनी सुनता है ना, टा 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 टा, पता नहीं कौन सा गाना, मैं इसी के प्लेलिस्ट से सुनती हूँ। मैं लिरिक्स बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब ये बहुत सारे उस मोड से जुदा हुए। हाँ, मतलब मेरा भाई ही मुझे इंट्रोड्यूस कराता है अलग अलग गाने से, ये सुनो। हाँ। ये सुनो, ये सुनो, ये सुनो। तो अच्छा, पहला पेचेक याद है आपको कितने का मिला था? 500 रुपया। आपको? मुझे नहीं मिला आज तक दीदी कट देती है नहीं देती है मैं कुछ नहीं रखती। हाँ। मुझे ये मालूम है कि हमारा जो हम लोग जब जागरण में जाते थे, तो जागरण तो ऐसी चीज है जो 8 बजे शाम को शुरू हुई और सुबह 3 बजे तक वो चलता रहता था। तो मुझे अपनी बारी का बहुत वेट करना होता था, पापा बेचारे मेरे पास, मैं पापा की गोदी में सो जाया करती थी, और रात के 1-2 बजे कभी मेरी बारी आती थी और लास्ट में हमको 500 रुपये मिलते थे। तो 500 रुपये से हमारी शुरुआत हुई थी। क्या बात है। खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या? खाने में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कुछ भी मिल जाए लेकिन साथ में चाट मसाला मिल जाए। ऋषभ? मैं खाने में परहेज नहीं करता, जो मिल जाए सब खा लेता हूँ। वेजिटेरियन। अच्छा, कोई देखे, प्रधानमंत्री से आप मिल चुकी हैं, आप इतनी जगह ट्रैवल कर चुकी हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ आपके फोटो वीडियोस हैं, लेकिन ऐसा कोई लिस्ट में बाकी है जिससे आप अभी भी मिलना चाहती हैं? मैं जिनसे मिलना चाहती थी वो रहे नहीं। हाँ। लेकिन बहुत मन था कि मैं एक बार उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को सामने देख पाऊँ, उनके झलक भी मिल जाए, लेकिन ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे ख्वाहिश नहीं है मेरी किसी से मिलने की, लेकिन कुछ ऐसे नाम है जो मैं सोचती हूँ काश मैं एक जादू हो जाता और मैं उनको लाइव सुन पाती। ऋषभ आपके लिए कोई?
मैं वैसे मेरा मन नहीं करता किसी से वैसे मिलने का, लेकिन MS धोनी मेरे फेवरेट है बचपन से ही, तो कहीं भी मिल जाए मैं तो मैं लेट जाऊंगा घुस जाऊंगा, मेरे को फोटो चाहिए। अच्छा, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया ऐप कौन सा इस्तेमाल करते हो? इंस्टाग्राम। सेम, इंस्टाग्राम। ठीक है, लास्ट फिल्म कौन सी देखी है थिएटर में, अगर कोई देखी? केसरी। केसरी, हां हम दोनों ने साथ ही में देखी। क्या बात है। बिहार के बारे में सबसे खूबसूरत बात क्या है? बिहार के बारे में सबसे खूबसूरत चीज है कि हर कुछ किलोमीटर्स के बाद जो भाषा बदलती है, और वो जो हमारा जो एक बात करने का तरीका है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ऐसे मन जोड़ देता है। कोई भी आप, मैं अभी आप अनकट के जो हमारे हेड है वो भी हमारे अनंत सर से मिली, बिहार के, स्पेशली हमारे गाँव के बगल के। तो मतलब ऐसा बिहार की खूबसूरती है यही है कि कहीं से भी अगर अरे बिहार के, अरे कहाँ के, ऐसे तो जुड़ा हो जाता है। बिहार अभी तक अनडिस्कवर्ड है, मैं ऐसा बोलूंगा कि बिहार में बहुत कुछ है जो देखना बाकी है, लोगों को मालूम ही नहीं है, इतनी सुंदर सुंदर चीजें वहाँ पे। तो बिहार में सब कुछ बढ़िया है, खाना, वहाँ के लोग, वहाँ का बोली, सब कुछ। मैथिली बोली बोली आप? नहीं, मैं बस ये कि मैं एक्चुअली अगर इधर से सुन पाए तो प्रधानमंत्री जी को मैं ये उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो बिहार में आए, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखे, और यहाँ पे बहुत सारे जो बदलाव की अभी स्कोप है, बहुत सारा स्कोप है, यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग कर्मठ हैं, हमारे यहाँ के लोग मेहनती हैं और इंटेलिजेंट हैं। बिल्कुल। तो जो स्कोप है, जो सुधार की आवश्यकता है, वो यहाँ पे भी हो, ताकि यहाँ पे भी थोड़ा सिस्टम टाइट हो। और बस बिहार बहुत खूबसूरत है हर मायने में। हम लोगों ने, आप लोगों को मालूम भी नहीं हुआ, इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पे, और खूबसूरती की अगर बात कहें तो ऐसी ऐसी जगह है जो अभी तक गुमनाम है, लेकिन बहुत सारे वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वो चीज बाहर लेकर के आ रहे हैं। तो बिहार हर मामले में परफेक्ट है। क्या बात है। अच्छा, इतनी सारी चीजें लाइफ में अचीव कर ली, आज तक आपने अपने लिए, अपने पैसों से सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या खरीदी है? मैंने अपने पैसे से, देखिए जो पैसा अकाउंट में होता है ना, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा। तो वो होता है पप्पा का पैसा। हाँ। अब जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ, कोई आंटी, अरे मेरी तरफ से आशीर्वाद रख लो। हाँ। वो पैसे इकट्ठे करते करते जो काला धन मेरे पास जमा होता है, कब अगर जमा हो के 20,000 हो गया, हाँ, तो मैं सीधे मम्मी के लिए नया मंगलसूत्र खरीद देती हूँ। अरे वाह। अभी रिसेंटली हम मम्मी के लिए शॉपिंग करने गए थे, कल या परसों, तो मेरे लिए यही एक्सपेंसिव शॉपिंग से कि उनके लिए मंगलसूत्र या कान का ये सब खरीद देते हैं। बाकी वही मेरा, मुझे लगता है कि वही जो कैश है वही मेरा पैसा, बाकी अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता। ऋषभ, मेरे पास तो वो काला धन भी नहीं आ पाता। लोगों का प्यार यहाँ पे आके रुक जाता है ना, मतलब थोड़ा सा देखिए, आप देखते हैं पीछे जो बच्चा तबला बजा रहा है, मेहनत कर रहा है, थोड़ी कृपा उधर भी बरसा है। अच्छा, नेक्स्ट गोल क्या है आपका लाइफ में? एक्चुअली मैं अभी भी जहाँ पे जो जिंदगी अभी मेरी है, ये भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी इतना अचीव कर पाऊंगी कि मैं न्यूज रूम्स के अंदर बैठी रहूंगी, आपके साथ बैठ करके इंटरव्यूज कर पाऊंगी, लेकिन आगे का मैंने कुछ नहीं सोचा है। मुझे हर एक दिन ब्लेसिंग्स की तरह मिलते जा रही है कि हर एक दिन कुछ अच्छा हो रहा है, तो बस आगे कुछ नहीं सोची हूँ, लेकिन मेरा रास्ता वही है। मैं अपने लोक संगीत और अपने भक्ति संगीत के साथ जो अपनी संस्कृति और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए, कुछ भी इसमें मिलावट ना हो, कुछ भी इधर उधर की चीज़ें इन्वॉल्व ना हो, हैम्पर ना हो पाए, बस इसी पे चलते चलते देखना है मुझे कि मैं आगे कहाँ तक जाती हूँ। मैं खुद क्यूरियस हूँ। ऋषभ, जहाँ दीदी वहाँ मैं, पीछे पीछे। How sweet. मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कई साल पहले जब इन दोनों से मिली थी, तो इनके हाथ में नया नया आईफोन आया हुआ था, और दोनों बच्चे बहुत क्यूरियस थे कि इसमें ऑटो फोकस कैसे होगा, इसमें हम सेल्फी कैसे लें। वो मुझे समय याद है कि नया नया फोन, ब्लैक कलर का आईफोन था आप लोगों का, और शायद एक दो दिन पहले ही खरीदा था, एक इवेंट में हम लोगों की मुलाकात हुई थी। वो दिन है, आज का दिन है, अपना घर, नाम, शोहरत, पैसा, ये कैसा, मतलब कैसा महसूस होता है, कैसा लगा ये सारा कुछ अचीव करके, और कितने सालों का संघर्ष रहा ये? दिल्ली में जब हम हमारे होश संभले, जब हम पापा की बातों को समझना शुरू किए कि वो और मम्मी जब बात कर रहे तो उसका मतलब क्या है, ये तो हम तो उड़ा देते थे, लेकिन बहुत ही कम उम्र में थे जब हम लोग ये चीजें
डिस्कवर करने लगे तो सबसे ज्यादा जरूरत जो चीज की पड़ती थी वो थी कि हमारा खुद का घर हो, क्योंकि किराए के घर में रह करके म्यूजिक, तबला, ढोलक पीटना, अपना रियाज करना बहुत ही नामुमकिन जैसा हो जाता था, क्योंकि कोई भी कहीं से आके हमारे बच्चे का एग्जाम है, कल मेरा वो ऑफिस है, मेरा मैं टीचर हूँ, मुझे सुबह स्कूल जाना है, बंद करो ये सब, कोई भी कहीं से भी आके बोल देता था। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी थी कि हमारा खुद का छोटा सा एक छत भी हो जाए जहाँ पे हम लोग कुछ भी करें तो कोई आके रोके टोके ना। तो जब आपसे मैं मिली उसके बाद धीरे धीरे जब धन इकट्ठे होने लगे तो पहली चीज यही थी कि पहले तो हमने फोन लिया ताकि हम उसपे वीडियोस बना पाए, हम लोग काम कर पाए। उसके बाद एक छोटा सा घर लिए, अभी उसी घर में हम लोग सारी बहुत सारी महिलाएं बैठ के हम लोग गाने रिकॉर्ड करते हैं और पूरी दुनिया उसको देख पाती है। सोशल पूरा घर जो है वो एकदम ऐसा लगता है कि बिहार का रेप्लिका है, आपको छोटी छोटी चीजें उसमें ऐसी मिल जाएंगी जो याद दिला सकती हैं कि अरे ये तो मेरे गाँव की है। ऋषभ, दीदी को देख कर प्राउड फील होता है? बिल्कुल, हम तीनों ने साथ ही में किया है। ये तो आज ही बोल पा रहा है जितना बोल पा रहा है, कभी नहीं बोलता इतना ही है जितना अभी इस इंटरव्यू में इसने बात की। क्या बात है। अच्छा, पैसा कमाना या सक्सेसफुल होना, लोग आपको पहचाने, ये अलग चीज होती है। खुश फील करना, कंटेंट फील करना, हैप्पी फील करना एक अलग चीज होती है। डू यू फील हैप्पी अबाउट एवरीथिंग यू हैव डन? बिल्कुल, बहुत संतुष्टि मिलती है मुझको। मेरे लिए प्रायोरिटी यही है कि जो खाने का मन करे वो खाने के लिए हमारे पास पैसे हो। अगर हम लोग को प्रोग्राम्स में जाना है तो पहनने के लिए कपड़े हो, अच्छा चप्पल हो, ये कुछ चीजें हैं। अगर ये है बस तो लाइफ सॉर्टेड है। घर पे अच्छा सा छत हो और इतना अभी भगवान की कृपा से इतना सब है जो हम लोग अपना काम घर में बैठ के कर सकते हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग करना हुआ, एडिटिंग करना हुआ, फोन है वीडियो बनाने के लिए, लैपटॉप है एडिटिंग करने के लिए। मैं बहुत ही ज्यादा अभी इस चीज को लेके संतुष्ट फील करती हूँ कि हाँ, मेरी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो रही है, बाकी जो भी हो रहा है ये सब बाय गॉड्स ग्रेस। क्या बोले, बहुत बहुत खुशी होती है कि पापा मम्मी को कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशान करने वाला नहीं है। ऋषभ, बस यही सब है ही, क्या बोलूं इसमें सब। खाने को खाना मिल जाता है, पहनने को कपड़े हैं, उससे ज्यादा का मेरे ख्याल से लालच किसी को भी नहीं करना चाहिए। अब जो है और हम मेहनत करेंगे कि और अच्छा इससे भी आगे हम क्या कर पाए। एक तो और चीज है कि हमारे उम्र के लोगों को ना कई सारे स्पेसिफिक ब्रांड यही चाहिए, ऐसा करके होता है ना, शौक है नहीं हमें लग्जरी तो। बहुत सारे मैं नाम सुनती हूँ क्योंकि मैं खुद भी जब अपने उम्र के लोगों के साथ बैठ के बात करती हूँ ना, फॉर एग्जांपल कहीं भी रैंडमली लोग मिलते हैं, एयरपोर्ट पे कोई मिल गया तो बैठ करके बात करे तो व्हाई डोंट यू परचेज दैट पर्स, व्हाई डोंट यू परचेज दैट फोन दैट रिसेंटली लॉन्च्ड, व्हाई डोंट यू बाय दिस, व्हाई डोंट यू बाय दिस। मैं रिलेट ही नहीं कर पाती उस सबसे। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, मेरे पास पहनने को साड़ी हो मैं हैप्पीली, मतलब मेरी लाइफ कटेगी अगर मेरे पास साड़ियां हो रोज बदलने के लिए, हो कपड़े हो बस। मैं नेक्स्ट इसी चीज पर आने वाली थी कि आपकी उम्र के बच्चे जो होते हैं उनका बहुत शौक होता है कि वेस्टर्न कपड़े पहने, उसको भी अलग कर लें तो सूट सलवार, मगर आपका पहनावा और दूसरी चीज चॉइस ऑफ क्लोथ्स बहुत ही रिच है। आप बनारसी भी पहने हुए दिखती हैं, आप कोटा सिल्क में भी दिखी हैं, आप जो आपके वहाँ के जो एक मधुबनी डिजाइन होती हैं आपकी साड़ियों में, मैंने वो भी देखा है। तो ये इंटरेस्ट है आपका? एक तो जब मैं छोटी थी ना, वही जब गांव से आए थे तो साड़ियाँ भी इतनी एक्सपेंसिव कि समझ ही नहीं आता कि एक इंसान ये साड़ी कैसे पहन सकता है। मैं भी जब छोटी थी तो यही सोचती थी कि जब हमको, क्योंकि मुझे नॉर्मल साड़ी से ज्यादा वो साड़ियाँ पसंद है जिसके पीछे कहानी हो कि ये बनाने में ऐसे होता है, इसमें इस तार का प्रयोग है, ये मधुबनी पेंटिंग है, ये हाथ से क्या हो, तभी मुझे लगता है कि हाँ ये साड़ी पहने और लोगों को स्टोरीज बताए। तो फिर जब से मैं बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ वो लोग मुझे काफी हेल्प करते हैं। मैं जितनी बार भी मॉल में पटना जाती हूँ वहाँ पे अभी नया नया शुरू हुआ है कि केले के पत्तों से भी लोग गमछा बना रहे हैं, उसका फाइबर बनाना फाइबर से हो रहा है।
तो ये सारी चीजें ना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, और मैं अभी के समय में मैं आइडेंटिफाई कर लेती हूँ कि हाँ ये यहाँ की साड़ी है, ये वहाँ की साड़ी है, क्योंकि मैं खुद इतना पहनने लगी हूँ और मुझे काफी मन करता है कि मैं अलग अलग स्टेट जो है उनका जो भी हेरिटेज है, जो भी उनका हैंडीक्राफ्ट है, सब चीज को देखूं, परखूं, समझूं। तो इसी चक्कर में ऐसा है कि मुझे साड़ियों का शौक और डेवलप होते गया होते गया, और वो कभी खत्म नहीं हो सकता। और आपका कलेक्शन बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आराम से मैं जाती हूँ ऐसे इंस्टाग्राम पर, देखती हूँ, मैंने, अरे ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छी चॉइस है। अच्छा मैथिली, हम इस इंटरव्यू को एंड करें उससे पहले, होली आने वाली है और बहुत ही सादा हो जाएगा कि अगर आप कोई होली का सॉन्ग ना सुनाए हमें। बिल्कुल वही सुनाती हूँ जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो आज भी रज में हो रही रे रसिया, आज भी रज में हो रही रे रसिया, हो रही रे बरजोरी रे रसिया, हो रही रे बरजोरी रे रसिया, आज भी रज में हो रही रे रसिया, आज भी रज में हो रही रे रसिया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। दर्शकों, आप लोग सुन रहे थे मैथिली को, और मैं जानती हूँ कि आपका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं होगा कि आप जाते वक्त मेरी आवाज सुनना चाहें। बस मैं आपसे इतना कह दूंगी कि जब भी ये इंटरव्यू खत्म हो, आप उसके बाद जाकर अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, मैथिली को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। वो बहुत शानदार वीडियोस बनाती हैं, बहुत शानदार गाने गाती हैं, तो उसको भी प्यार दीजिएगा, इस इंटरव्यू को भी प्यार दीजिएगा। मगर इस इंटरव्यू को खत्म आप ही की आवाज पर करेंगे, तो कोई मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि अभी बातचीत रुके। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है घर में बैठ के गप्पे मार रहे हैं। बिल्कुल, बताइए आप क्या बात करना चाहेंगी। अच्छा चलिए मैथिली, आपको मुझसे कोई सवाल पूछना हो तो आप क्या सवाल पूछेंगी? अरे एक तो जब मैं आपसे पहली बार अभी उस मतलब 2017-18 के बाद जो अभी मिली ना, तो मुझे यही फील हो रहा था। उस समय भी मैं आपसे आपकी उम्र नहीं पूछ पाई थी, लेकिन अभी पता नहीं, लोग बोलते हैं कि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सभी दर्शकों के इस पे, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप 23-24 साल की हैं। मैं 23-24 साल की नहीं हूँ। तो ठीक है, आपकी उम्र नहीं पूछेंगे। नहीं नहीं, हम बता सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो मैथिली को लगता है कि ऐसे मैं 23-24 साल की हूँ, लेकिन मार्च में ये इंटरव्यू निकल रहा है और आने वाले अप्रैल में मैं 30 साल की हो जाऊंगी। बाप रे बाप रे। और जब इन्होंने बोला ना कि मैंने जब इनसे पूछा कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं, तो इन्होंने बोला मेरे हस्बैंड ने, और हाँ हस्बैंड नहीं, सच्ची में आप बहुत स्वीट हैं। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस उम्मीद है कि मैं आपसे हमेशा मिलते रहूं। बिल्कुल बिल्कुल, हम मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, और ये इंटरव्यू भले खत्म हो जाए, हमारी बातचीत कभी खत्म नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो बस गाना सुनाए। होली खेले रघुवीरा, मध में होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, मध में होली खेले रघुवीरा, ओ हिल मिलावे लोग लुगाई, हिल मिलावे लोग लुगाई, भाई महलन में भीरा, मध में होली खेले रघुवीरा, हो होली खेले रघुवीरा, वध में होली खेले रघुवीरा। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। हैप्पी होली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू। बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस इंटरव्यू को।